यही वह ब्रज है जहाँ चलते चलते अचानक श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं। इसीलिए तो लोग ब्रज में आते हैं। यही वह ब्रज है जहाँ लोग भगवान को ढूंढते हैं और भगवान यहाँ स्वयं ढूंढ रहे हैं और गोपियों का अता पता पूछ रहे हैं। यही वह ब्रज है जहाँ गोपी बोल नहीं रही हैं लज्जा के कारण और श्याम उनका घूंघट खोल रहे हैं। आज आप जो दर्शनों का आनंद ले रहे हैं यह बरसाना परिक्रमा मार्ग में स्थित ब्रह्माचल पर्वत एवं विष्णु पर्वत के मध्य से जाने वाले रास्ते को सांकरी खुर के नाम से जाना जाता है एवं आप उसी सकरी गली के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। जिस तरीके से प्रेम की गली अति सकरी होती है उसमें एक के अलावा दो लोगों को स्थान प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी तरह से यह सांकरी खोर है। यहाँ पर भी इन दोनों पर्वतों के मध्य से निकलने वाला जो रास्ता है वहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। आपको बता दें यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज गोपियाँ थीं दूध दही बेचने के लिए जाया करती थीं, उन्हें रोक करके यहाँ खड़े हो जाया करते थे क्योंकि यहाँ से उनको रास्ता निकलने का नहीं था। गोपियों को यहाँ पर अपने सखाओं के साथ रोक करके खड़े हो जाया करते और उनसे दूध और दही का दान मांगा करते थे। कहते थे कि सखियों यहाँ से इस रास्ते से निकलोगी तो आपको दूध और दही का दान हमें देना होगा। सखियाँ जब उनको मना करती तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकी फोड़ दिया करते। ये वही स्थान है जिसके अब आप दर्शन कर रहे हैं। इसी स्थान पर भगवान ने गोपियों के दूध और दही की मटकी फोड़ी है। आप ये देख सकते हैं इसी स्थान पर भगवान ने गोपियों के दूध और दही की मटकी फोड़ी है। तब गोपियाँ राधा रानी से शिकायत करती हैं और कहती हैं कि आवत जावत लेत दूध दही माखन करते हैं बाहुबल जोरी। ये सखियाँ राधा रानी से बोल रही हैं। तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि सुनो ए गोविंद बहुत हो गई बलजोरी, ये सखियाँ सबन हैं मोरी, अब इनसे बलजोरी मत करना, अगर तुमने इनसे बलजोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये सखियाँ मेरी हैं। ये वही स्थान है जो आप दर्शन कर रहे हैं सांकरी खोर। ये जो आप छतरी देख रहे हैं यह भगवान श्री कृष्ण की छतरी है जो विष्णु पर्वत पर आसीन है। मध्य भाग में जहाँ ये श्रद्धालु खड़े हुए हैं यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी और जो ये छतरी आप ब्रह्माचल पर्वत पर देख रहे हैं यह छतरी राधा रानी की है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को यहाँ चोटी बंधन लीला का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें भगवान हर जगह पूजे हैं परंतु बरसाना ही एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान की पिटाई हुई है। भगवान की और उनके सखाओं की यहाँ सखियों ने चोटी बांधी है और गुलचा पकड़ पकड़ के मार लगाई है। गुलचा का अर्थ होता है उनके गालों को पकड़ के भगवान को गोपियों ने मारा है। वहीं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 13 को यहाँ मटकी फोड लीला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है जहाँ नंदगांव बरसाना के गोस्वामी जन आज भी अपनी हंसी ठिठोली से उस लीला का आयोजन करते हैं। कहते हैं कि सकरी गली बनी पर्वत की दधी ले चली कुंवर की रथ की आगे गाए चरें गिरधर की लीने सखा बुलाए ऐसो रस बरस रहे हो बरसानो जो रस तीन लोक में ना है। जो रस बरस रहे हो बरसाने
वो रस तीन लोक में नाए। ऐसा ही है यह साकरी खोर, जहाँ भगवान की पिटाई हुई है। भगवान विश्व में हर जगह पर पहुँचे हैं, परंतु बरसाना के साकरी खोर में ही भगवान की पिटाई हुई है। आप सभी ने साकरी खोर के दर्शनों का आनंद लिया। जय जय श्री राधे।